जिंदाबाद 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 न्यूज़ पे सचिवालय की तस्वीरें दिख रहे हैं और एक कर्मचारी हैं सचिवालय के जो कि अपनी मांगों को लेकर जो है गेट मीटिंग कर रहे हैं आप
कैया से भागे हुए दीदी को जो उनको पता लगे भाई तो क्या है कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 सचिवालय में लीगल कौन नहीं सहेंगे अत्याचार 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद बंगे तो पूरी करनी होगी वरना करनी भरनी होगी वरना करनी भरनी होगी वरना करनी भरनी होगी होश में आओ 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 अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी भाई भाई कर्मचारी भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई कर्मचारी भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई हर जोर जुलम की टक्कर में नहीं से हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद सरकार को सेवाएं कर्मचारी।
श्रीमती गीता जी, हेलो, इनके महासचिव और इसके साथ साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है और जैसा कि आपको मालूम है जो भी कर्मचारी अभी तक कर्मचारी को बिल्कुल सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को, जो कि इसी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था, मुझे याद है 1986 का मिला था, उसका लोग करते थे, इंतजार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा, तो लोगों ने पहले मानी प्लान किया था कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट करेंगे, सोचता था कि मकान बनाएंगे, सोचता था बेटे की शादी करेंगे, तो मतलब पे एरियर का इंतजार रहता था 10 साल के बाद पे एरियर। लेकिन सीआईडी तथा कर्मचारी कार्यालय से आए हुए साथीगण, जो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ मेरे सचिवालय परिवार के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी साथियों, मैं सर्वप्रथम आपका इस जनरल हाउस में बुलाने के लिए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तथा आभार व्यक्त करता हूँ। किस्तों में दिया सरकार ने, दो तीन किस्तों में दिया तब की सरकार कर्मचारी को उसने बोला। उसके बाद साथियों, आज का जो जनरल हाउस है वो भी चलो कुछ किस्तों में दिया, सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति जो चल रही है विरोध में है, मिला ही नहीं आज सचिवालय का ही नहीं, पूरे माननीय पूरे प्रदेश के कर्मचारी, इन्होंने एक बार फरमान जारी किए थे, ये जो एरियर है इसको उन्होंने 0.02% हिसाब से दिया था, यानी कि जो एरियर है ये हमें 32 साल में मिला था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोलने से मिला, जो डीए एरिया हमारा ड्यू था एक साल वो एरियर भी 5 साल में मिला साल में, तो 10 किस्तें तो ड्यू हो जाएगी। जब उनको लगा कि गलत हो गया, उन्होंने उसी टाइम आदेश जारी किए, इसको विड्रॉ किया जाए। उसके बाद अभी एक कर्मचारी साथी, इन्होंने जो रिटायरी थे उनको 25% के साथ, लेकिन फिर से मैंने कोई भी किस्त हमारे को नहीं दी।
और अभी 15 अगस्त को हमारे उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री से मिले या तो आप दे देना या फिर दिए देखिए किस्त दे देना किसको दिया जो 75 साल से ऊपर है। अरे वे जो एजी रहे वो सबसे ज्यादा 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए वो तो उनका है ना, ना पेरियर मिल रहा है तो लोगों में बहुत ही नाराज़ थी। इसीलिए जब हमने मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हम एक जनरल जब जनरल हाउस का हमने ऐलान किया करोड़ों करेंगे। रविवार को मेरे को पूरे प्रदेश के कर्मचारी के लोगों के फोन आए कहने लगे कि आपने हमारी बात उठाई है, कोई तो है आज प्रदेश में जो कर्मचारी की बात उठा रहा है क्योंकि कर्मचारी जो एनजीओ है बच्चा है कोई आपने आवाज उठाई। मतलब ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा या डीए मांगेगा तो हो सकता हमारे को मान्यता न मिले। तो आज पूरे प्रदेश का 7 लाख जो कर्मचारी है मेरा वो आंखें लगाए बैठा था, आंख लगाए बैठा था, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा काम जो है डीए एरिया या सीए एरिया नहीं होता है क्योंकि हमारे पास अपनी यहाँ पे डिमांड होती है। लेकिन पहली बार हुआ है कि आज जो है सचिवालय को जमाने उठा। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जब कभी पहले स्ट्राइक होती थी मैं एनजीओज में भी रहा हूँ तो पहले डिपार्टमेंट वाले बाहर निकलते थे, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट निकल गया, एनिमल सेंटर निकल गया, एग्रीकल्चर निकल गया, उसके बाद जो है इलेक्ट्री भी निकलता था, आईजीएमसी निकलता था, और तब भी कोई बात नहीं है, फिर लास्ट में जाके सचिवालय प्रशासन सचिवालय बाहर निकलती थी। जब सचिवालय वाले बाहर निकलते जाते तो कोई भी सरकार जो है ना फिर जो है ना उसको झुकना ही पड़ता था। लेकिन आज परिस्थिति देखो, बाहर का कोई कर्मचारी आवाज तक नहीं उठा रहा है, आज ये काम जो है सचिवालय में, तो इसीलिए हमने आज पहले आज जनरल हाउस किया है। मंगलवार को कल तक हम रेस्ट लेंगे, कल तक हम देखेंगे सरकार, नहीं तो हम परसों फिर जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सेशन आ रहा है, हम नहीं चाहते सेशन में पूरे प्रदेश के लोगों के काम होते हैं उनकी जो है मसले वहाँ पे जाते हैं, तो हमने फिर निर्णय लिया 10 दिन फिर जनरल हाउस होंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम मास्क करेंगे। मास्क का यूनिवर्स क्या होगा, पूरा सचिवालय का कर्मचारी बाहर आ जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री के पास भी ना कोई पीएन मिलेगा उनको पानी पिलाने के लिए, ना उनको गाड़ी लाने के लिए ड्राइवर मिलेगा। मंत्री हैं जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं हम सब कुछ ठप कर देंगे। हमारे ऊपर अगर जो मर्जी केस लाना हो हम उसके लिए तैयार हैं, हम तो सर पे कफन लेके चले। हमने हमने सोच लिया है कि अपनी लड़ाई आप हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। मैंने एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को बोला मैं कभी आपने महिलाओं को दे रहे अच्छी हमारी बहन हमारी महिला दे दी है, अगर जब आप 500 करोड़ उनको दे रहे हैं हमारे दो हमारा हक तो दो, हम तो आपसे हक मांग रहे हैं, किरात नहीं मांग रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बोले कहते देखना पड़ेगा अभी पैसा तो है, लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे आप देख रहे आपको मैं बता दूँ ये जो सामने बिल्डिंग बनी है इसका जब इनोग्रेशन हुआ तो 2 महीने के बाद इसकी अल्ट्रेशन शुरू होगी यहाँ पे। तो 2 मंत्री ने 1 मंत्री ने 50 लाख की रेनोवेशन, 2 मंत्री ने 1 करोड़ रुपया रेनोवेशन में लगा दिया। और मेरे को भी कोई बता रहा था जो वहाँ पे लाइटें लग रही है ना वो भी 18,000 रुपये की लाइट लग रही है। कमीशन आ रहा है वो कहते महाराष्ट्र से आएगा, इसके लिए इनके पास पैसा है तब तो उनका खजाना खाली नहीं है। तब जब एक दिन मुख्यमंत्री उसको देखने गए इसके बाद उन्होंने देखा कि वाकई यार ये तो बड़ा आलीशान बन रहा है, तो फिर जब मुझे लगता अपने कमरे में गए फिर उन्होंने सोचा होना यार मेरा कमरा तो ऐसा है, तो उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक कार्यालय बनाया जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ उसके लिए भी मुझे जो पता चला है कि 19,19,72,19,000 रुपया रिलीज हो गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लोन मिल गई 19 करोड़ का मुख्यमंत्री के लिए भी बन रहा है। तो स्पीकर के लिए हमारे को पता चला जो स्पीकर का बंगला बन रहा है उसमें 2 करोड़ खर्च हो चुके हैं, उसमें कितना खर्च हो रहा है। यह MLA लोग MLA के लिए भी देखो क्या है, कहते वहाँ पे जो MLA का है हाउस है परे मेट्रोपोल उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे अभी 100 करोड़ रुपए का कहते बजट में प्रावधान रखा है, वहाँ पे भी कंटिन्यू करनी है।
उसके बाद जैसे चंडीगढ़ जाती है लोग वहाँ पे भी कहते हैं हिमाचल भवन ऑलरेडी इतना अच्छा है उसको तोड़ के कहते हैं वहाँ भी नई बिल्डिंग बनेगी, तो इसके लिए पैसा है इनके पास। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अधिकारियों को इनके कमरे में जाओ लाखों रुपए की जो है एडिशनल, तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इतनी सारी बना रहे हैं तो इसमें तो 3 साल और लग जाएंगे लगते, या तो माननीय मुख्यमंत्री मुझे लगता 15 साल के लिए। और इनको ये नहीं पता कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं ना उसका जो एक पावा है वो कर्मचारी का होता है। आज मैं बोलना चाहूँगा आपके मन कि मुख्यमंत्री बोले अपनी जो उस कुर्सी को देख लो उसके स्क्रीन जो है ना हिलने शुरू हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे प्रदेश के लोगों के कर्मचारी के फोन आए पर मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ मत आइए क्योंकि आप कांगड़ा से आएंगे, किन्नौर से आएंगे, कुल्लू से आएंगे, मैं तो हम लोग सकते हैं संजीव शर्मा जी रहेगा तब आप लोग यहाँ। धन्यवाद।